हेलो एवरीवन, टीचिंग जॉब समर चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पे डेली बेसिस पे जितने भी टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता है वो मैं अपलोड करता हूँ। एंड हम लोग का एक टेलीग्राम एंड फेसबुक चैनल भी है, आप लोग वहाँ पे इजीली ज्वाइन हो सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है, एज बिकॉज वो केंद्रीय विद्यालय संस्थान से आया हुआ है। टोटल 4 स्कूल का यहाँ पे वैकेंसी है, कौन सा जगह से आया हुआ है एंड कौन कौन सा सब्जेक्ट है, आप लोग सभी मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन कर दूंगा एंड डिस्क्राइब कर दूंगा। एंड आप लोग इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे थ्रू मेल या फिर वॉकिंग इंटरव्यू, जो भी है हम लोग का इजीली अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकेंगे। सो देखते हैं बाकी डिटेल्स, कौन सा स्कूल से आया है एंड क्या क्या सब्जेक्ट्स है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे है एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी है। फर्स्ट हम लोग का क्या है, PGDE इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग का है PGDE कंप्यूटर साइंस, देन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, TGDE संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, मैथ, साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद PRT ऑल सब्जेक्ट्स में है, या उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर, TGDE पंजाबी, उसके बाद स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, तो बहुत सारा वैकेंसी है। उसके बाद आप लोग का पर स्केल में कितना किसको सैलरी मिलेगा वो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड बोल दिया गया है। देखिए आप लोग के PGDE जितना भी आप लोग का इंग्लिश हिंदी उन लोग के लिए 27,500, उसके बाद PGDE कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप लोग को 27,500 मिल सकता है। उसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 26,250 रुपया, उसके बाद TGDE के लिए 26,250 रुपया, PRT के लिए 21,250, उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए 26,250, उसके बाद काउंसलर के लिए भी 26,250 रुपया, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर के लिए भी 21,250। तो देखिए सैलरी बहुत ही अच्छा प्रोवाइडेड किया गया है। तो यही है हम लोग का आज का जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखिए लगभग 4 KVs में आया है। ये कौन सा KVs मैं यहाँ पे आप लोग को बोल दे रहा हूँ। पहले आप लोग सब्जेक्ट्स पहले 1x1 देख लीजिए, उसके बाद में नंबर 1 जो KV है वो है हम लोग का APS बिदार कर्नाटक, ठीक है। दूसरा जो KV है वो हम लोग का है सोलापुर मुंबई से आया हुआ है, सोलापुर मुंबई से आया हुआ है। थर्ड इज है हम लोग का जो है वो है हम लोग का नंबर 1 RCF हुसैनपुर से आया हुआ है। एंड नंबर 4 जो है वो हम लोग का कौन सा है, नंबर 2 RCF हुसैनपुर, मतलब हुसैनपुर नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड आप लोग का एक बिदार और एक आप लोग का सोलापुर मुंबई से, ये 4 KV से आया हुआ है। और आप लोग और एक बार देख लीजिए कौन सा अनाउंसमेंट है, कौन सा सब्जेक्ट्स आप लोग अवेलेबल है, कौन सा सब्जेक्ट्स में आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखने के बाद आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू एवरी वन एंड बेस्ट विशेज़।